सिखाऊंगी मसाला डोसा लोहे की तवे पर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डोसे का मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच तेल ले लिया है, गैस ऑन कर दिया है। इस तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा मेथी दाना है और मस्टर्ड सीड्स हैं। इनको क्रैक होने देती हूँ। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हमारा जीरा भून करके तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ते, 10 से 12 कड़ी पत्ते। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ऑप्शनल है, आप खाते हैं तो डालें। अब स्लाइस किया हुआ 1 प्याज है और 2 कटे हुए हरे मिर्च। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन सिक गई है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से भूनते हैं। इनको 15-20 सेकंड के लिए थोड़ा सा भूनते हैं। डालूंगी 1 कटा हुआ टमाटर। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, सेंधा नमक। मसाले को थोड़ा सा भूनने देते हैं। मसाला हमारा ऑयल रिलीज करना शुरू कर देगा, जब तक इसका इंतजार करते हैं। डालती हूँ उबले हुए आलू। मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, उसके बाद उनका छिलका उतार के कद्दूकस कर लिया है। इसे मसाले में मिलाते हैं। थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच डाल दूंगी सौंफ क्रश करके। के लिए सिकने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा डोसा मसाला सिक करके तैयार है। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। गैस बंद कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम लोहे के तवे पर मसाला डोसा बनाना। सबसे पहले गैस ऑन कर दिया है, उस पे तवे को रखते हैं। तवे को हल्का गुनगुना होने देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे गैस को। हमारा तवा गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। एक सूती कपड़े से इसकी सारे तवे पर इसको अच्छे से ग्रीसिंग कर देते हैं। अब हमने नमक का गुनगुना पानी लिया है, उस गुनगुने पानी के इसके ऊपर छींटे मारते हैं। पानी को वेपोरेट होने दीजिए, ये पानी हमारा पूरा उड़ जाएगा। अब इस पर 1/2 प्याज काटिए और उसको फोर्क में इस तरह से दबाइए और उसकी ऐसे ग्रीसिंग इसके ऊपर कर दीजिए। फ्रेंड्स, तवे को ज्यादा गर्म नहीं करना है,
मीडियम गरम पर ही हमारा डोसा बनता है। तवा था, इसको हमने नॉनस्टिक बना लिया है। अब हम इसके ऊपर डोसा डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डोसा सिक गया है। ये डार्क ब्राउन कलर इसका दिख रहा है और इसमें ये छेद छेद से दिख रहा है सारे डोसे में। इसका मतलब है कि हमारा डोसा बैटर परफेक्ट फर्मेंट हुआ है। अब इसके ऊपर हम कुछ बूंदे ऑयल की डालते हैं ताकि इससे ये अंदर बाहर दोनों साइड अच्छे से सिक जाएगा। ज्यादा नहीं डालना है, कुछ ड्रॉप ही डालना है। अब इसको पलटते हैं। मेरा तो बहुत अच्छे से पलटा हो रहा है फ्रेंड्स। यदि आपका पलटा नहीं होता है तो आप एक काम कीजिए, गर्म पानी कीजिए, उसमें नमक डालिए और नमक के गुनगुने पानी में इस कलछे को डुबाइए और इस कलछे से फिर ऐसे पलटिए तो आपका डोसा बहुत ही जल्दी पलट जाएगा। मेरा तो अच्छे से पलटा पूरा है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डोसा ये कितने अच्छे से पलट गया है। आप देख सकते हैं मेरे डोसे को कितना शानदार क्रिस्पी ब्राउन सिक करके तैयार हुआ है। ये डोसा मेरा सिक के तैयार है। फ्रेंड्स डोसे को एक ही साइड से सिका जाता है, दोनों साइड से नहीं सेकते। यदि आप चाहते हैं कि दूसरी साइड से भी तो आप इसको पलट के थोड़ी देर ऐसे दूसरी साइड भी सेक सकते हैं। अब हम इसमें मसाला भरेंगे क्योंकि ये मसाला डोसा है, तो इसमें मसाला यहाँ आलू का जो हमने मसाला बनाया था, या सिंपल भाषा में कहूँ तो आलू की सूखी सब्जी जो भी हम आलू परौठे के लिए बनाते हैं वो बनाई थी। इसको सेंटर में भरते हैं ऐसे और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और मटर वगैरह जो आपके पास है, जो भी अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं खाते हैं तो ना डालिए। अब इसको देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी हमारा मसाला डोसा सिक करके तैयार हुआ है। इसको आप सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। ये देखिए डोसा, ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा हमारा बन करके तैयार हुआ है। ये मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स कितना यम्मी साउथ इंडियन स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा डोसा बन करके क्रिस्पी डोसा तैयार है। आप इसको नारियल की चटनी के साथ, सांभर के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। और यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस देख तो खूब रहे हैं पर आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।